तो आइए गौर करते हैं। मध्य देश के एक राजा थे जिनका नाम था ब्रजसेन। ब्रजसेन महाराज के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और देखो आज के जमाने में एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है, अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगर लड़की पैदा हो जाए तो 70% ऐसे लोग हैं आज के जमाने में लड़की का नाम सुन करके कि लड़की पैदा हुई है तो चेहरा उतर जाता है। लेकिन विद्वानों ने तो यहां तक सलाह दी है कि जिस आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता वो आंगन सूना रहता है। आंगन की फुलवारी बताई गई बेटी। और जब ब्रजसेन महाराज के घर में बेटी का जन्म हुआ बहुत खुशी हुई। मैया पिता को बहुत खुशी हुई कि घर में बेटी का जन्म हुआ है और नाम रखा गया लक्ष्मणा। लक्ष्मणा बेटी जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई, देखिए विधि का विधान। अरे बिटिया रुम झुम रुम झुम डोले, अरे बिटिया रुम झुम रुम झुम डोले, और मधुरी सी बोली बोले, अरे मधुरी सी बोली बोले, और नए भेद पेट को खोले, धीरे धीरे जब बेटी बड़ी होती चली गई दिन रात लली बढ़ने लगी जैसे बढ़े थियो जगो जगदरमा। दिन रात लली बढ़ने लगी क्यों बढ़त दियो जगो चंद्रमा। बहुत सुंदर थी बेटी लक्ष्मणा। जब धीरे धीरे बड़ी होती चली गई मेरे भगवत श्रोताओ हुआ ऐसा, आंगन में लक्ष्मणा जो थी अपनी साथ की सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते हुए जब मैया की अचानक नजर गई है बेटी के ऊपर तो विचार आया, सोचने लगी मां मन में क्या। लली है गई बड़ी मेरी सियानी, बरयो की सुताई अब है गई रे के सोची रही थी महारानी।
मैया ने जब अपनी बेटी को अचानक आंगन में खेलता हुआ देखा तो विचार आया, अरे माता ने मन में कही लली है गई बड़ी मेरी सियानी की सुनाई अब हुई गई रे कै सोची रही है महारानी। विचार आया कि मेरी बेटी शादी लायक हो चुकी है, उसी छड़ सोई दासी लाई बुलाई कई समझ आई चली निकजारी कहा मेरे सैया को टेरी की महल में बंधिया लारी। जब ये विचार आया कि हमारी बेटी शादी लायक हो चुकी है, दासी से कहा महाराज को बुला करके ले आ, तो दासी बड़ी आगे और भगी बिंदरिया रंग भवन में मस्कत जाती मरो राजानी चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया नवत पैर सुजाई। साड़ी बांधी चलत में एडिन सोतल जाई होरी ओठन लाली मांगन लाली आली सन बनी सुकुमारी और उड़े दुपट्टा जब दासी को चमकन लगे गले कोहारी। चुरी कचेरी सतबादी की दासी हाथ बांध रही जाई और 100 रुपए का पुरस्कार आया है। राम अवतार पुत्र मिथिलेश कुमार फौजी फौजी भैया की बरनी है करिए चोट नोट किया जिन्होंने माना हमारो राखो पंजा रखे भगवती माई और चौड़ी छाती को लेना करिया सिंह पर उठिहारी बात करत पे खुले स्वर्ग में जाई मेरे भैया। जिस समय मैया ने अपनी बेटी को निहारा विचार आया मेरी बेटी शादी लायक हो चुकी है, दासी से कहा मेरे महाराज को लेकर के आ जा। दासी जब कचहरी में पहुंची हाथ जोड़ करके कहा महाराज तुम्हारी रानी ने याद किया है। ब्रह्मसेन महाराज कचहरी से निकल करके चले हैं महल की ओर के लिए।
और जब बड़े रानी ने जब ब्रह्मसेन महाराज को आता हुआ देखा तो उठ करके खड़ी हो गई आंगन में, किया बात देखो पिया मगन भैया खुशी भाई भारी और सुंदर आसन गार की बैठाई ले पिया महाराज के लिए आसन डाल दिया। आर्यावत देखो पिया मगन भोहिया खुशी भाई भारी खुशी भाई भारी गया तबलम को ले गई रे के प्राणन भैया प्यारी सुंदरा सनदारी लय बैठारी कंत हितकारी ले ढोरत पंखा बिहारी अंगारी ठारी और हाथ बिजनिया मोर पंख की ढोर पति अपने की बिहारी और धीरे धीरे रानी बोले परम सनेही पिया हमारी और कौन भावई सर पे पड़ गए सोने स्वरूप का कुमिलाई धीरे धीरे रानी बोले पियो दिल तो हाल बताई सुंदर सा आसन डाल करके महाराज को बिठाया और ये पूछा आप जब पहले आते थे तब में और अब में बड़ा फर्क है। बोली महाराज बात ऐसी है कि जब जब आंगन में आते थे हर बात पे तुम मुस्काते थे और फूले नहीं समाते थे हुआ
पहले आते थे तब में और अब में बहुत फर्क है, आखिर बात क्या है? और 100 रुपए का पुरस्कार आया है रीना यादव की तरफ से। और 121 रुपया संजय कुशवाहा की तरफ से। और एक हार से सम्मानित कर रहे हैं और 101 रुपया संजय यादव भैया जी की तरफ से आए हैं। अरे कब कब निबिया करी लागे, कब कब लगत शीतला छाए, कब कब भैया भैया बेरी लागे, लड़ने लगे तू सरी पाए। और संजय यादव की बरनी है सुतरार गए पहनाई, 101 है रुपया देखी फेरो रहे हैं मान मोर आखर बाल की बरनी सोतो नोट रे भिजवाए, युग युग जियो अमर पद भोगो रक्षा करे श्री करतारी। और 100 रुपया सब साथिन को हरियो मधर रहे पठवाई, और संतोषी यादव की बलि है सौ को नोट रहे भिजवाई। और 10-10 रुपया सब साथ को भैया नए सभा में लाई, जिन्होंने माना हमारो लाखो बढ़िया रखी श्री करतारी। और संजय कुशवा की बरनी है कसोई की सदाई कटवाई गई, और नीतू यादव की बरनी है सो को नोट रही भिजवाई। और रीना यादव की बरनी है सो को नोट दया भिजवाई, जिन्होंने माना हमारो लाखो पंडा रखे भगवती माई। आनंद कंद